छत्तीसगढ़ में स्टेट इलेक्शंस की डेट्स फाइनल हो चुकी हैं और इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है और इस बीच गरियाबंद में एक फ्लैग मार्च भी निकाला गया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आकाश शिकारा और पुलिस कमांडेंट अमित तुकाराम कांबले ने सिटी के मेन चौक चौराहों और मार्गों में सैकड़ों अधिकारी व पुलिस के जवानों के साथ फ्लैग मार्च निकाला और लोगों को चुनाव के प्रति प्रशासन की गंभीरता का एहसास दिलाया और कहा कि प्रशासन चुनाव को लेकर काफी गंभीर है। आज नगर पालिका गरियाबंद के अंतर्गत हम लोगों ने फ्लैग मार्च किया, जिसका मुख्य उद्देश्य यही था, क्योंकि अभी निर्वाचन की घोषणा के बाद में आदर्श आचार संहिता लग गया है, तो उसका पालन किस प्रकार से नगरीय क्षेत्र में किया जा रहा है, साथ ही साथ लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तहत कि वो लोग निष्पक्ष रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करने आए, वो भी एक मैसेज दिया गया था। इस फ्लैग मार्च का उद्देश्य मुख्य रूप से निर्वाचन प्रक्रियाओं का जायजा लेना था। गौरतलब है कि आचार संहिता लग चुकी है और इसी वजह से बीते दिनों शहर के अलग अलग चौक पर जो बैनर पोस्टर फ्लैग को हटा दिया गया है या छिपा दिया गया है, इन सबको देखने के लिए ये फ्लैग मार्च निकाला गया था। ये जो मार्च पास्ट था, ये जो है लोगों के बीच में चुनाव को लेके एक सुरक्षित भावना निर्माण करने के लिए, और हमने जो रास्ते पे जो होर्डिंग पोस्टर्स है उसकी भी हमने निरीक्षण किया और संबंधित हमारे अधिकारियों को है हमने इंस्ट्रक्शन इशू किए हैं चुनाव संबंधित, इसके लिए मार्च पास्ट निकाला था। हमारे जो है चेक पोस्ट हमने लगाया है, इंटरस्टेट चेक पोस्ट हमने लगाया है, हमारा जॉइंट चेक पोस्ट रहता है जो ओडिशा पुलिस के साथ हमने लगाया है, उसके साथ ही साथ हमारे फ्लाइंग स्क्वाड्स भी है, तो हमारी जो है चुनाव को लेके तैयारी जो है पूरी तरह से हम तैयार है। आप सभी देख रहे थे सुरमई टाइम्स, मैं था सिद्धांत त्रिपाठी। फॉर मोर अपडेट्स हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें।